पनवेल महानगर पालिका के नगर सेवकों ने आज आयोजित महासभा में पालिका की नई इमारत बनाने का निर्णय लिया है। पनवेल की महापौर कविता चौतमल ने कहा कि पुरानी इमारत छोटी पड़ रही थी, वहां कई बड़े अधिकारियों और शासन के लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए नई बिल्डिंग में महापौर, उप महापौर, विरोधी पक्ष नेता और आयुक्त को बैठने के लिए अलग से जगह रखी जाएगी। गाड़ियों को आने जाने के लिए अलग से व्यवस्था होगी। पूरी इमारत वातानुकूलित होगी। कविता चौतमल ने कहा कि हमारी इमारत मुंबई महानगर पालिका की इमारत से ज्यादा आकर्षक होगी, जिसके लिए महानगर पालिका ने 280 रुपये आवंटित किए हैं। आज हमारे यहाँ से लोग मुंबई महानगर पालिका के सामने जाकर सेल्फी निकलवाते हैं। आने वाले समय में जब हमारी महानगर पालिका बनकर तैयार होगी तो वहाँ लोग सेल्फी निकाल सकेंगे। हालांकि महानगर पालिका के इस निर्णय पर लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि आज शहर कोरोना जैसी गंभीर महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में महानगर पालिका को अस्पताल बनाने की जरूरत है, ना कि इमारत की। इमारत तो कभी भी बन सकती है, यह शहर के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नमस्ते, आज पनवेल महानगर पालिका की सर्वसाधारण सभा यहाँ पर आज हुई है और उसी के बाद हम ये महानगर पालिका के विषय में जो भी विषय यहाँ पर संपन्न है उसके लिए पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया है। और इस पत्रकार परिषद में उपस्थित हमारे पनवेल महानगर पालिका के सम्मान्य उप महापौर जी है, यहाँ पर उपस्थित हमारी सभी सभापति प्रभाग समितियों की हैं, महिला बाल कल्याण सभापति उपस्थित है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी यहाँ पर विनय दास जी उपस्थित है, हमारे सम्मान्य ज्येष्ठ नगर सेवक अनिल भगत जी यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसे कि अभी आप लोग देख चुके हैं कि हमारी पनवेल महानगर पालिका की शुरुआत जो हुई वो पहले ज़रा धीमे गति से हुई, लेकिन जैसे ही 4 साल आप देख रहे हैं इतिहास की बहुत ज़ोर से स्पीड से हमारा काम शुरू हुआ है। आप अगर देखेंगे तो ये 4 साल में पनवेल महानगर पालिका ने जो नगर परिषद एरिया है वहाँ के बहुत सारे काम हमने यहाँ पर किए हैं। यहाँ के रोड आप देखेंगे तो कॉन्क्रीटीकरण हो चुके हैं। यहाँ के जो मेन चौक है जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज चौक है, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर पुतला है, इनका सुशोभीकरण करने का काम यहाँ पर हो चुका है। जैसे कि यहाँ का बड़ा ले तालाब करके है, उसका काम भी यहाँ पर अभी चल रहा है। ऐसे बड़े बड़े काम ये पनवेल में चल रहे हैं। उसके सिवाय गांव खेड़े में आप जाके देखेंगे कि वहाँ पर भी हमें रोड का काम, ड्रेनेज का काम, वहाँ के लाइट का काम वो भी हमने चालू किया है। जैसे कि धानसर, सिद्धि, करवले, यहाँ तक तो पहुँचने के लिए भी रास्ते नहीं थे, ये भी काम सब चालू है। अभी नए से खारगर गाँव कामोटेज हुई, यहाँ पर भी काम, ये इनकी भी अभी निविदा पास हो चुकी है, उनके भी काम जल्द से स्टार्ट होने वाले हैं। ऐसा होते हुए हम देख रहे थे कि सिडको एरिया में अभी तो कोई ठोस या मजबूत काम नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज के एजेंडे में अगर हम आप देखेंगे तो पहला ही सब्जेक्ट लिया है जिसमें हमने पनवेल महानगर पालिका के सिडको एरिया में जैसे कि खारगर, कड़मबोली, कामोठे, नवीन पनवेल, यहाँ पर हमने हमारे गार्डन्स है वो जो प्लॉट्स हमने हैंडओवर किए हैं, मतलब क्रीड़ांगन मैदान, वहाँ पर सुशोभीकरण करने का 27 कोटी का प्रस्ताव आज की महासभा ने यहाँ पर मंजूर किया है। मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है बताते हुए कि वहाँ के नगर सेवक को आज तक कुछ दिखाने के लिए, काम दिखाने के लिए वो बहुत नाराज़ थे कि हम यहाँ पर कुछ काम दिखा नहीं सकते कि हम यहाँ पर चुन के आए, 4 साल हुए, लेकिन आज इसके बाद ये काम दिखा सकते कि कम से कम हम लोगों ने हैंडओवर की प्रोसेस स्टार्ट कर ली है। पहले फेज में हमने ये हैंडओवर कर लिया है और यहाँ पर हम काम कर सकते हैं। और आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो हमारा तीसरा विषय है भवन, और जो हर महानगर पालिका का सपना होता है कि वो बहुत बड़ा हो, अच्छा हो, ऐसे ही प्रशासकीय भवन जो हमने यहाँ पर आज जिसकी मान्यता दी है वो प्रशासकीय भवन का काम भी यहाँ पर जल्द से जल्द होने वाला है, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रशासकीय भवन की एंट्री एग्जिट, उसमें होने वाले जो रूम्स रहेंगे जैसे प्रशासकीय उसमें जो आयुक्त की केबिन रहेंगी, उपायुक्त, हमारे महापौर, उप महापौर, स्टैंडिंग सभागृह नेता, विरोधी पक्ष नेता, इन लोगों की केबिन्स है। ऊपर का सभागृह हॉल है 6+, ये जो इनका मंजिला है उसके ऊपर ये जाने वाला है। साथ ही में आप देखेंगे कि नीचे पार्किंग की भी व्यवस्था किए गए है, 200 के ऊपर पार्किंग यहाँ पर रखी गई है और लिफ्ट भी यहाँ पर दिए गए हैं। और सभागृह के आप देखेंगे व्यवस्था कि यहाँ पर कम से कम 200 के ऊपर नगर सेवक बैठेंगे, मतलब आगे आने वाले 50 साल का प्रोविजन यहाँ पर किया है। ऐसा नहीं कि अभी IT नगर सेवक है उनके लिए व्यवस्था नहीं है, अगले 50 साल का विजन रख के ये आर्किटेक्चर ने काम किया है। और मैं चाहती हूँ कि आप ये 280 कोटी का जो आगे होने वाला काम है आप ये अच्छा काम अपने न्यूज़पेपर में बताएं ताकि हमारे पनवेल की जनता को पता चले कि पनवेल महानगर पालिका के लिए खुद का प्रशासकीय भवन हो रहा है और जिसका पहले फेज का 117 कोटी का काम हम जल्द से जल्द एक हफ्ते भर में निविदा निकल के स्टार्ट किए। पनवेल महानगर पालिका ये हुई इसके लिए कि सारे हिस्सों के हम देख सकते हैं, जिसमें सामाजिक आप देख रहे हैं, हेल्थ के सेक्टर में काम हो रहा है, रोड के सेक्टर में काम हो रहा है,
सभी तरह से काम हो रहा है, लेकिन काम करने के लिए, बैठने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए। तो हम ऐसा नहीं बोल रहे कि यही कोरोना की महामारी में ही पूरे 200 ऐसी कोटि खर्च करे, इसके लिए 3-4 साल लगने वाले, उसका प्रोविजन भी हमने कुछ करके रखा है। और आप जो बोल रहे कोरोना की महामारी में, तो उसके लिए अलग से हमारा प्रोविजन है। वो कोरोना की महामारी से निपटने के लिए हम लोगों ने कलम बोली में एक सेंटर चालू किया है, जिसमें 650 बेड का हॉस्पिटल हम बना रहे हैं। उसमें पूरी सुविधा हम दे रहे हैं लोगों को, उसमें सिटी स्कैन सेंटर, एक्सरे सेंटर, डॉक्टर, पूरा मेडिसिन सबको हम फ्री दे रहे हैं। मतलब पनवेल महानगर पालिका एक दौर से या एक सिरे से नहीं सोच रहे, हम पूरे विकास का एक साथ जो है विचार कर रही है, वो देख के हम चल रहे कि पानी भी मिले, रोड भी मिले और लोगों को सुविधा भी मिले, आरोग्य भी मिले, यही हमारी संकल्पना और इसके साथ हम चल रहे हैं।